वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास नाइन्थ के लिए। चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज हम उसके करा चुके थे, आपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दी थी। इसके बाद है सेकेंड एक्सरसाइज। देखो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मान लो कोई रियल नंबर के है, ठीक है। एनी रियल नंबर के इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। क्या है देखो, इफ एनी रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर के है, ठीक है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, कोई भी एक रियल नंबर के है, वो किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो होगा। कब? पी के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है, अगर हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं उसकी वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है पॉलिनोमियल की, तो वो क्या होगा, उसका जीरोज होगा, ठीक है। इतना ही है इसमें। यहाँ पर हमें इस एक्सरसाइज में हमें पॉलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करनी है और पॉलिनोमियल का क्या करना है, जीरोज फाइंड करने है। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है 2.2, क्लास नाइन्थ के लिए है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्ट इसने दिए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 5x-4x² +3। एट फर्स्ट पार्ट दिया है इसने एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो। अगर एक्स इजकल टू जीरो हम इसमें पुट कर दें तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 0 - 4 × 0² + 3। 5 × 0 = 0 - 0² + 0 × 4 = 0 + 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 3। तो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चलिए इसके बाद है सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है एक्स इजकल टू -1, ठीक है। अब एक्स की जगह हमें -1 पुट करना है, तो 5 × -1 - 4 × -1² + 3। 5 × -1 - 5 - 4 × -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो +1 होगा, +1 × 4 यानी कि 4 + 3। -5 और -4 - 9 + 3 - 6, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है इसमें, थर्ड पार्ट है x इजकल टू 2, एक्स इजकल टू 2। यहां पर हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, 5 × 2 - 4 × 2² + 3। तो 5 × 2 = 10 - 2 × 2 = 4 + 4 = 16 + 3। +10 + 13 + 13 - 16 = -3, ठीक है। दैट्स ऑल, तीन ही पार्ट दिए थे, तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर दिया। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। उसने बोला है फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, चार पॉलिनोमियल हमें इसने दिए हैं और उनकी वैल्यू फाइंड कराइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला है P0, P1 और P2, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है py = y² - y+1। सबसे पहले हम P0 पुट करते हैं, यानी कि y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0² - 0+1, तो ये 0 - 0+1 = 1, ठीक है। नेक्स्ट है P1, इसी पॉलिनोमियल के लिए हम P1 फाइंड करेंगे। तो P1 इजकल टू क्या हो जाएगा, y की जगह 1 का स्क्वायर -1 + 1,
वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, कैंसिल आउट वन, इसका आंसर आ गया। थर्ड है पी टू, पी टू हमें फाइंड करना है, यानी कि वाई की वैल्यू टू, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर माइनस टू प्लस वन, प्लस का फोर प्लस का वन फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। दैट्स ऑल फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर दी है। चलिए इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का जो सेकंड है वो है पॉलिनोमियल दिया है इसने पी टी, पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले पी जीरो फाइंड करना है, यानी कि अब टी की जगह हमें क्या रखना है, जीरो रखना है। टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यू, तो टू प्लस यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जीरो इंटू टू ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो इजकल टू टू। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड इसने बोला है पी वन हमें फाइंड करना है, तो पी वन क्या होगा, अब देखो टी की जगह हमें क्या रखना है, वन रखना है, तो टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यू। सॉल्व करेंगे तो टू प्लस वन का स्क्वायर वन, और टू वन जब टू माइनस वन का क्यूब वन, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, टू और टू क्या हो गया फोर, इसका आंसर आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू इसने पूछी है पी टू, यानी कि अब टी की जगह हमें क्या रखना है, टू पुट करना है, तो टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, टू प्लस टू प्लस टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, माइनस टू टू जा फोर टू जा एट, देखो माइनस का एट प्लस का एट कैंसिल आउट हो गया, टू और टू क्या हो गया फोर, ये इसका आंसर। ठीक है, यानी कि पी वन और पी टू की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। एक बार देख लो, टू टी की जगह टू, टी की जगह टू का स्क्वायर हो गया क्योंकि टी स्क्वायर है, माइनस टू का क्यूब, तो टू टू जा फोर टू जा एट, और टू टू जा फोर टू जा एट, यहाँ भी माइनस एट प्लस एट कैंसिल आउट, टू और टू फोर, इसके भी तीनों तीनों के लिए वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये दिया है इसने पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब, क्या फाइंड करना है हमें, पी जीरो पी वन और पी टू। सबसे पहले हम पी जीरो की अगर बात करें तो x की जगह क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो का क्यूब इज इक्वल टू जीरो आ गया। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी वन, यानी कि x की जगह वन, तो वन का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। चलिए थर्ड है पी टू, यानी कि पी टू की वैल्यू, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे, टू, तो टू का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू एट। दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो ये है पी एक्स इजकल टू, पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें, पी जीरो पी वन और पी। देखो सबसे पहले या तो हम वैल्यू ऐसे ही पुट कर दें, या फिर देखो यहाँ x माइनस वन एक्स प्लस वन, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या होते, क्या आइडेंटिटी बन गई, अगर इस पॉलिनोमियल को हम देखें तो ये बन गई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। वैल्यू फाइंड करेंगे पी जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो क्या आ गया माइनस वन, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो और माइनस वन। नेक्स्ट है पी वन, एक्स की जगह क्या रखेंगे वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन माइनस वन इजकल टू जीरो। इसके बाद है पी टू, पी टू फाइंड करना है, यानी कि एक्स की जगह टू रखना है, टू का स्क्वायर माइनस वन, तो टू टू जा फोर माइनस वन इजकल टू थ्री। दैट्स ऑल। इसके भी हम फोर चारों पार्ट सॉल्व कर हो चुके हैं।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट असाइन देम। देखो पॉलिनोमियल्स हमें दिया है और उसके जीरोज हमें गिवन है, एक जीरोज हमें दिया है, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू उसने दी है, तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो उसका जीरोज है या नहीं। अभी मैंने जीरोज की बात की थी कि एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर के है, कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर उसका वो जीरो है तो यानी कि पी के इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें जो एक्स की वैल्यू दी है अगर हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो हम समझेंगे कि वो उसका, समझेंगे नहीं, वो होता है, उसका जीरोज होगा। अगर नहीं आती है तो उसका जीरोज नहीं है, सिर्फ हमें ये वेरीफाई करना है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसने दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। और जीरो जो दिया है, जो एक्स की वैल्यू दी है वो एक्स इज इक्वल टू दिया है माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। यानी कि हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन बाई थ्री। तो हम अगर सॉल्व करें तो पी वन माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि थ्री से थ्री कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको, ये इसका क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, वेरीफाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। सिर्फ ये हमें वेरीफाई करना है, या फिर हम सिर्फ यहाँ पर यस लिख सकते हैं कि ये जीरो जीरो इसकी वैल्यू आ गई तो ये क्या होगा, यस। चलिए इसके बाद आता है सेकंड, सेकंड पार्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट सेकंड, पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, फाइव एक्स माइनस पाई, और एक्स इज इक्वल टू फोर बाई फाइव, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पी फोर बाई फाइव निकालें तो फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस पाई, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या होगा, फोर माइनस पाई, अगर पाई की वैल्यू भी हम पुट करेंगे तो क्या, ट्वेंटी टू अपॉन सेवन, ठीक है। तो ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू फोर बाई फाइव इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, नो। चलिए इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में जो इसने गिवन है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दो वैल्यू दी हैं, एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन, दोनों को हमें वेरीफाई करके देखना है। चलिए पहले एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं, तो पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो हो गया, यानी कि ये तो इसका जीरोज है। इसके बाद पी माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, ये भी जीरोज आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि वन और माइनस वन दोनों क्या है, इसके जीरोज हैं, ठीक है। चलिए हम नीचे लिख देंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन या वन कॉमा माइनस वन इज द जीरोज ऑफ, आर द जीरोज ऑफ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फोर, फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में इसने पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, और यहाँ पर वैल्यू गिवन है हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट कर ले, या तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे या फिर इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल में चेंज कर लो तब इसको सॉल्व कर दो।
चलिए तो पी एक्स इजकल टू, देखो हमें अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स, ये क्या आएगा प्लस एक्स, और ये क्या आएगा माइनस टू। मल्टीप्लाई की एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स, वन इंटू एक्स एक्स, और वन इंटू माइनस टू माइनस टू। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस टू, ये हमें पॉलिनोमियल आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है पी माइनस वन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है माइनस वन पुट करना है, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, और ये भी माइनस माइनस क्या होगा वन, और माइनस टू, वन और वन टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि जो माइनस वन है वो उसका क्या है जीरोज है। नेक्स्ट की बात करते हैं पी टू, अब हमें टू वैल्यू पुट करनी है, टू अगर करें तो टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर माइनस टू माइनस टू, फोर और माइनस टू क्या होगा माइनस फोर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया। यानी कि एक्स इजकल टू माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे जीरोज होंगे। चलिए ये भी क्या आ जाएगा, यस दोनों इसके क्या हैं जीरोज हैं। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट फाइव, पार्ट फिफ्थ की अगर हम बात करें, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आता है एक्स इजकल टू जीरो। तो यहाँ पे पी जीरो की वैल्यू बात करेंगे तो जीरो का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जीरो है। चलिए इसके बाद आता है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है पी एक्स इजकल टू, पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम एक्स इजकल टू एम बाई एल। ठीक है, माइनस का एम बाई एल माइनस का, चलिए यहाँ पर पुट करेंगे पी माइनस एम बाई एल इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो एल अब एक्स की जगह हमें ये पुट करना है, तो एक्स की जगह आएगा माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो ये क्या आ गया माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स इजकल टू माइनस एम बाई एल इज द पॉल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारा ये पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स तो हो गया सेवन, इसका पार्ट सेवन, सेवन्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो सेवन्थ पार्ट है कि पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड जो जीरोज दिए हैं वो एक्स इजकल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ये दो दिए हैं, वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री, वैल्यू पुट करेंगे थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन थ्री। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन अपॉन रूट थ्री का क्या होगा थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गए तो वन माइनस वन इजकल टू क्या आ गया जीरो। ठीक है, फर्स्ट वाला तो है, अब सेकेंड वाले की बात करें तो पी टू अपॉन थ्री, तो थ्री इंटू टू अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस वन, टू अपॉन रूट थ्री है। ठीक है, टू अपॉन हाँ रूट थ्री है, चलिए तो थ्री टू का स्क्वायर फोर और रूट थ्री का थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर माइनस वन इजकल टू क्या आ गया थ्री आ गया, दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, ये हो गया सेवन्थ, इसके बाद है एट्थ पार्ट, एट्थ की अगर हम बात करें तो ये है पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स इजकल टू वन बाई टू। ठीक है,
पी एक्स की जगह क्या रखना है, वन बाई टू रखना है, तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या आ गया वन प्लस वन इजकल टू टू आ गया। अब देखो ये जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जीरोज नहीं है, यानी कि एक्स इजकल टू वन बाई टू इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इसका जीरो नहीं है क्योंकि x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है वन बाई टू, तो वन बाई टू हमने पुट कर दी, टू से टू कैंसिल मल्टीप्लाई है, तो वन प्लस वन क्या हो गया टू हो गया। चलिए इसके बाद आता है इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें भी सेवन्थ पार्ट दी है, तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें जीरोज फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द जीरोज, जीरोज हमें फाइंड करने हैं, यहाँ हमें गिवन है पी एक्स, बता देता हूँ फर्स्ट से ही, फर्स्ट पार्ट से ही। देखो फर्स्ट इसने दिया है कि पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस फाइव। देखो इसे जीरोज कर जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी कि एक्स प्लस फाइव इजकल टू हम रख दें जीरो, तो एक्स इजकल टू ये प्लस फाइव है, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस फाइव, बस ये इसका जीरो है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट है पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस फाइव, तो क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो एक्स इजकल टू माइनस फाइव है, इधर जाके प्लस का फाइव, तो ये इसका जीरोज हो गया। इसके बाद अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस फाइव, तो पॉलिनोमियल को टू एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो करेंगे, तो टू एक्स इजकल टू माइनस फाइव, एक्स इजकल टू माइनस फाइव बाई टू, तो ये इसका जीरोज होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इजकल टू माइनस फाइव इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस फाइव, ऐसे ही यहाँ पर एक्स इजकल टू फाइव इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस फाइव, और सेम यहाँ पर एक्स इजकल टू माइनस फाइव बाई टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स माइनस टू, ये दिया है फोर्थ पार्ट पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो क्या करना है, पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल करना है, थ्री एक्स इजकल टू माइनस टू है, इधर जाके टू हो गया, तो एक्स इजकल टू टू ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है कि पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स, ठीक है, पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स, चलिए तो थ्री एक्स इजकल टू क्या आ गया जीरो, तो एक्स इजकल टू क्या आ गया जीरो पॉइंट थ्री, यानी कि एक्स इजकल टू क्या आ गया जीरो। ठीक है, तो ये एक्स इजकल टू बाई थ्री इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स माइनस टू, ऐसे यहाँ एक्स इजकल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, नेक्स्ट है सिक्स, पी एक्स इजकल टू ए एक्स, ठीक है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यही है ए एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा जीरो आएगा। ठीक है, ए एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू जीरो अपॉन ए, तो एक्स इजकल टू क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू यह हम यहाँ पुट वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो तो ए इंटू जीरो क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, तो एक्स इजकल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू ए एक्स, ये है फिफ्थ पार्ट। चलिए इसके बाद आता है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है
सिक्स पार्ट तो हमने कर दिए, फिफ्थ हो गया। हाँ, इसके बाद आता है सिक्स नहीं, सेवन्थ पार्ट, ये सिक्स पार्ट था। चलिए इसके बाद है सेवन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये है हमारा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहाँ सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और कॉमा सी डी आर रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होंगे। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि सी एक्स प्लस डी इजकल टू ज़ीरो, तो सी एक्स इजकल टू क्या आ गया, डी आ गया, तो एक्स इजकल टू क्या आ गया, माइनस का डी आएगा, प्लस का डी है इधर जाके, तो माइनस डी बाई सी, ठीक है, तो ये ज़ीरो होगा। इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, दैट्स ऑल। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, एंड हो गया। चार ही क्वेश्चन थे इसमें, बाकी पार्ट काफ़ी सारे थे। ये एक्सरसाइज फिनिश है, इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हम लेके आएंगे, ठीक है, उसमें है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर है वहाँ पर डिवाइड करना है, और एक रिमाइंडर थ्योरम है कि पी एक्स को अगर जी एक्स से हम डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचता है, या फिर हमें रिमाइंडर गिविन होगा, कुछ भी कोसेंट पूछ लेगा कोई एक, जो हमारा फॉर्मूला है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसमें से हमें वो कोई भी वैल्यू दे देगा, ठीक है, तीन वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू फाइंड करा लेगा, वहीं पर ही रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ होगा। इसी के बाद ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाए कि कोई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।